कलाम कहां से आएंगे, अगला कलाम अब आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कहां से आएंगे। आज पटना में आने वाली युवा पीढ़ी जो अपने कैरियर को लेकर काफी परेशान है, इसके परेशानी का केवल और केवल एकमात्र कारण है कि यह इसलिए परेशान है कि यह अपनी परेशानी दूर नहीं करना चाहता है। इसलिए नहीं परेशान है कि इसकी परेशानी बहुत बड़ी है। आपकी परेशानी बहुत बड़ी नहीं है, आपका बैंक पीओ में रिजल्ट निकाल लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, रेलवे में चला जाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, एसएससी में जाना बड़ा चीज नहीं है, आईआईटीएन बनना बड़ा चीज नहीं है, मेडिकल में बनना बड़ा चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने मन पे कमांड नहीं है। आप अपने विचारों से नहीं लड़ पाते हो, दुनिया से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। फूफा ने कहा कि रिजल्ट नहीं हुआ है, इस बार से फूफा के यहाँ नहीं जाएंगे, फूफा के समझा ही देंगे। फूफा तो कहबे करेंगे, मौसा कहेंगे, चाचा कहेंगे। आप युवा मंडल में क्यों आते हो, कभी अकेला में पूछे हो? यहां आने का उद्देश्य क्या है? आपके अंदर के गुण, कर्म और स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। आपका गुण कैसा हो? सर्वोत्तम गुण का युवा हो। युवा ऐसा नहीं हो जिसके गुण सर्वोत्तम आपका गुण हो। कर्म कैसा हो? हमेशा कर्मठता के साथ आगे बढ़ने वाला हो। और व्यवहार कैसा हो? व्यवहार शालीनता बिना मोल बिकती है, पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। आप इतने शालीन बनिए, आप इतने शालीन बनिए कि आपकी शालीनता दुनिया में मिसाल बन जाए। एपीजे अब्दुल कलाम जी शालीनता के एक प्रतिमूर्ति थे, शालीनता का एक बहुत बड़ा मिसाल थे, शालीनता का एक नमूना थे, शालीनता का एक उदाहरण थे और युवाओं के लिए मार्गदर्शक थे। युवा कैसा हो? विवेकानंद सरीके हो। युवा कैसा हो? एपीजे अब्दुल कलाम की तरह हो। युवा कैसा हो? परम पूज्य गुरुदेव की तरह का हो। युवा कैसा हो? महर्षि अरबिंदो की तरह हो। आज का युवा हेयर स्टाइल, जींस, कपड़ों में लिप्त सोचता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। आज भारत के मैं दावे के साथ कहता हूं कि युवाओं को अगर साहित्य का आदत लगा दिया जाए कि हर दिन अच्छे साहित्य पढ़े। छोटी सी किताब परम पूज्य गुरुदेव की है, आप कभी पढ़िएगा, हारिए न हिम्मत, टूटे हुए मन को फिर से उठने के लिए विवश कर देता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताब है अग्नि की उड़ान, उनकी जीवनी। आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा भी मनाएंगे, श्रद्धांजलि भी होगी एपीजे अब्दुल कलाम जी की। आज हम लोग संकल्प लेके एक व्यक्ति कम से कम उनके एक साहित्य को ईमानदारी से अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रयास भी करेंगे। सारी व्यवस्था आपके लिए बन चुकी है, ए टू जेड व्यवस्था आपके लिए बना दी गई है। आपको क्या करना है? इस व्यवस्था के अनुकूल चलना है। व्यवस्था किस प्रकार की? हम युवा कैसे बेहतर बने, हम युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर बने और हम युवा इस समाज के लिए क्या देंगे। आप देना चाहते हो ना कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, क्या दोगे? गुरुदेव से लोगों ने पूछा कि हम देना चाहते हैं समाज के लिए, क्या दें? गुरुदेव ने बोले, बताएं बेटे, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर तू समाज में सेवा करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में सुधार करना शुरू कर दो, ये समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा है। हताशा निराशा में जीने वाला युवा कभी सफल हो ही नहीं सकता है। जिसके मन में यह बैठ गया कि मेरे कैरियर में उत्थान पतन आएगा और हम टूट जाएंगे, वो कभी कैरियर को सही कर ही नहीं सकता है। नाविक जब नाव को मझधार में ले जाता है तो उसे पता होता है कि मझधार के हिलोरों से मेरी नाव डगमगडोल होगी, लेकिन उसका पेशेंस, उसका धैर्य, उसका कॉन्फिडेंस इतना ताकत होता है कि उस तेज धार में भी अपने नाव को धीरे धीरे निकालते हुए किनारा पहुंचा देता है। आप उस नाविक की तरह काम करोगे जैसे बीच में नाव जा रही है, आपका कैरियर है। बहुत सारे लड़के आके कहते हैं मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी माँ पर सारा बोझ आ गया, माँ मुझे संभालने का प्रयास की, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया लेकिन इस गरीबी के कारण मैं सफलता प्राप्त नहीं किया। मेरे मित्र, अगर मन अगर आपके मस्तिष्क में बैठ चुका है मैं गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं, तो इसको पहले यहां से डिलीट करिए, हमेशा के लिए हटा दीजिए। आप इतिहास उठाकर देखेंगे, भारत का तो इतिहास साक्षी है, साधारण परिवार का लड़का, साधारण घर का लड़का, साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बना, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाले व्यक्ति कलाम बने, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाले व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बने, साधारण सा किनारे मोची का काम करने वाला बाटा कंपनी का मालिक बना,
किसान परिवार का लड़का ईमानदारी पूर्वक अपने कर्मों को सही करते हुए देश का पहला राष्ट्रपति बने। अर्धनग्न फकीर को पूरी दुनिया राष्ट्र बापू के नाम से जानती है, गांधी जी के नाम से जानती है। साधारण गांव में जन्म लेने वाला व्यक्ति, अनपढ़ गंवार व्यक्ति दशरथ माझी के नाम से जाना गया, जो यहीं के गया जिला का है। साधारण घर में जन्म लेने वाला युवा जो मस्तिष्क में यह ठान लेता है कि मैं समाज के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जाने गए, तो पेपर बेचने वाले को देश ने प्रधानमंत्री बना दिया। यह साधारण परिवार में ही असाधारण प्रतिभा होती है, साधारण घर में ही असाधारण प्रतिभाएं होती है। आप क्यों डरते हो? साधारण परिवार में जन्म लेने से किसी की प्रतिभा साधारण होती है? प्रतिभा एक ऐसी दवानल है जिसके ऊपर कम्बल रखने से आग उसकी नहीं ढक जाती है। प्रतिभा तो एक ऐसी चीज है जिसको एक बार अगर उभारने का प्रयास करोगे तो इतनी खूबसूरत है कि उभरता हुआ देश में इतिहास बना देगा। प्रश्न आता है, युवा कौन? जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो, जिसका रक्त गर्म हो और मस्तिष्क ठंडा हो। आपका रक्त ठंडा, मस्तिष्क गर्म, रक्त कंप्लीट ठंडा। नौकरी इस साल ले लीजिए, देखते हैं, होइए जाएगा, होइए जाएगा के चक्कर में पांच साल रहिएगा। काहे कि रक्त तो ठंडा है, और रोड पर चले गलती से रिक्शा वाला सटा दिया, मस्तिष्क गर्म हो गया। कैसे सटा दिया? तू तुमको दिखा देंगे। दूसरा युवा कैसा हो? जो 100% डिसिप्लिन्ड हो, 100% डिसिप्लिन्ड युवा हो। आपकी तो डिसिप्लिन बुरा मत मानिएगा, पीडीसी का फॉर्म देते हैं वहीं देख लेते हैं। 100 बार कहा जाता है आप साधारण इंस्टीट्यूशन में नहीं बैठे हो कि सर जी के क्लास में धक्का मुक्की करके घुस रहे हैं। आप ऐसे महाकाल की गोद में बैठे हो जहां की प्रेरणा अगर आपकी जिंदगी में आती है तो जिस गरीबी का आप उदाहरण देते हो कि मैं गरीब परिवार में हूं, आपके मस्तिष्क में ये हमेशा के लिए डाल लो, हमेशा के लिए ये बैठा लो। मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती है तो इसमें मेरा संपूर्ण दोष है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी में अमीर बनने का प्रयास नहीं किया। जिस दिन तुम अमीर बनने का प्रयास करोगे, तुम्हारी ये गरीबी तुमसे दूर होती चली जाएगी। आज तैयारी करते हैं, हाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तनी व्हाट्सएप चलाते हैं, थोड़ा फेसबुक चलाते हैं, थोड़ा ट्विटर चलाते हैं, थोड़ा सा गर्लफ्रेंड घुमाते हैं। घुमा लीजिए, थोड़ा का है पूरा घुमा लीजिए, पूरा पटना आप ही लोगों का है, कोई थोड़े रोक टोक है? आप किस लिए आए हो? नहीं, आज का युवा संकल्प लेगा, आज युवा प्रकोष्ठ में आने वाला हर युवा एक संकल्प लेगा कि मेरे माँ बाप की तमन्ना थी कि मैं नेक इंसान बनूं, मैं अपनी आदर्शों पर चलते हुए परम पूज्य गुरुदेव की हर एक विचार की विचारों को अपनी जीवन में उतारते हुए कलाम के सपनों को साकार करूंगा, कलाम जी के सपनों को साकार करूंगा, कलाम जी के आने वाले भारत की जो कल्पना थी, मेरे सपनों का भारत, विजन 2020 2020 में यह भारत पुनः विश्व का जगत गुरु बने, ये कलाम जी का सपना था, ये पूर्ण करने के लिए आज सारे युवा संकल्पित होंगे, एक साथ संकल्पित होंगे कि मैं आज तक जो भी किया वो मेरी भूल थी, आज के बाद मैं जो भी करूंगा वो मेरी अपनी एक गुण होगा, वो मेरा भूल नहीं होगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा उसे भूला नहीं कहते हैं। युवा कौन है जो बैठ के जमाई लेता हो? युवा कौन है जो रास्ते चलते अश्लीलता परोसता हो? युवा कौन है जो डाइवर्ट हो? युवा कौन है जो जींस और टी शर्ट में अपने शरीर का प्रदर्शन तो करता है लेकिन उसके आंतरिक विचार इतने गंदे हैं जो वो खुद अपने आप से नहीं लड़ पाता है? युवा वो नहीं है मित्र, युवा तो वो है जिसके बारे में लिखा गया है कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि उस आसमां को नहीं भेदा जा सकता है? कौन कहता है कि उस बुलंदियों को नहीं छुआ जा सकता है? एक बार हौसला तो बुलंद करके देखो। यहां आते हैं संडे के आप लोग कहते हैं तो बुलंद होता है, आप मंडे के दोस्तों दिखा देता है तो फिर टूट जाता है। काहे देखते हैं? देखने का शौक चढ़ा है आपको? अपने कर्म पर भरोसा नहीं है, है? जिस व्यक्ति की आज तस्वीर लगी है इस धरती पर, उस दिन केवल एक व्यक्ति मरे होंगे कि बहुत सारे लोग मरे होंगे, बोलिए ना? बाकी लोग की तस्वीर कहाँ चली गई?
होनी चाहिए ना उनके भी बगल में. इस डेट पर बहुत सारे लोग मरे, उनकी तस्वीर लगा दी जा रही है, क्यों नहीं लगा? आपके इंस्टीट्यूशन में आप अकेला पढ़ते हो कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं? उस बहुत सारे में केवल थोड़े का रिजल्ट क्यों होता है? क्योंकि वो उन्हीं की तरह लीक से हट के चलना जानता है. आज हर युवा की तमन्ना तो है ऊंचाइयों को छुए, लेकिन एक संघर्ष के बाद टूट जाता है. इसका कारण इसके अंदर आध्यात्मिकता की कमी है.